मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच रात को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, केरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित। मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा, बीजेपी के संपर्क में है ममता के 38 विधायक। किसानों के लिए कैबिनेट में लिया गया अहम फैसला, नियमित कर्ज चुकाने वालों को मिलेगा 50,000 की सब्सिडी। औरंगाबाद का नाम बदलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर, मुंबई। मुंबई में लोनार झील का होगा कायाकल्प, 370 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार। भाजपा की महत्वाकांक्षा के चलते लोकतंत्र खतरे में है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बर्थडे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दी उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई। विदेश भेजी जाएगी भगवान गणेश की 300 प्रतिमाएं, नासिक। भारत के 10 शहरों में गूगल ने लॉन्च किया स्ट्रीट व्यू, बदल जाएगा मैप देखने का तरीका। शिंदे कैबिनेट का फैसला, गणेश उत्सव और कोरोना नियमों के उल्लंघन के केस होंगे वापस। ट्रेनों में यात्रियों को मनोरंजन के साथ मिलेगी देश दुनिया की खबर, लोकल ट्रेन में लगेंगे एलईडी टीवी। अमरावती केमिस्ट मर्डर, आरोपी शाहरुख पठान पर कैदियों ने किया जानलेवा हमला, मुंबई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ा, एक और संदिग्ध मामलों ने बढ़ाई चिंता। पुणे में बागी विधायकों पर नीलम गोरगे ने साधा निशाना, कहा शिवसेना का काम जारी रहेगा। एमवीए प्रयोग गलत नहीं था, शिवसेना से फिर होगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पुणे में रिक्शा के किराए में 2 रुपए की होगी वृद्धि, अगले महीने से होगा लागू। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को किया हैप्पी बर्थडे विश। पुणे के वनाजा रामवाड़ी मेट्रो रूट पर 3,357 करोड़ का खर्च। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार तक निलंबित, कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पकड़ाए संदिग्ध से पुलिस कर रही है पूछताछ। आधार नंबर को वोटिंग कार्ड से लिंक करे महाराष्ट्र। बाइकोट फ्लिपकार्ट हो रहा है ट्रेंड, सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का मरीज बताकर बेच रहा टी शर्ट। जनहित के मुद्दों पर मन से आक्रामक, महानगर पालिका को आंदोलन की चेतावनी। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 3 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ, कोई नया समन नहीं, नई दिल्ली। पुणे में शिंदे सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन। जेल में बंद कश्मीरी अलगावादी नेता यासीन मलिक, भूख हड़ताल के चलते अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में छाया बारिश का कहर, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, संसद के बाहर कांग्रेस का धरना, कई गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराएंगे अभिषेक बच्चन और कपिल देव, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में नजर आएगी। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर शिव सैनिकों से मांगा उपहार, कहा गुलदस्ता नहीं हल्फनामा दे। महाराष्ट्र पर कब्जा किया, अब झारखंड में कोशिश है लेकिन बंगाल को नहीं, सीएम ममता बनर्जी पगा बीजेपी पर बड़ा हमला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्योगपति रतन टाटा से की मुलाकात।